Hello everyone. So before moving with the math section, I would like to emphasize on the point that if you have to target a top 10 rank or top 15 rank, what you need is आपको हर एक सेक्शन में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा. मीन्स यहाँ पर जो मैंने हेडिंग देकर रखी है कि मैथ्स में 99 परसेंटाइल हो गया, इंग्लिश में 99 परसेंटाइल, और आगे के भी दो वीडियो जब आप देखोगे लॉजिक और जीके के, उसमें भी मैंने टारगेट 99 परसेंटाइल का रखा है. बट बेसिकली यू हैव टू टारगेट 99.5 टू गेट इन टू JBIMS, और उसके थोड़ा सा नीचे या फिर सिडनम में भी जाना होगा तो भी आपको लगभग वही रेंज में स्कोर करना ही पड़ेगा. मे भी हो सकता है 99.5 के जगह 99.3 हो गया. बिकॉज क्या होता है, ओवरऑल व्हेन यू कंबाइन द मार्क्स देन ओनली यू विल बी एबल टू सिक्योर अ 99.9 परसेंटाइल. सो व्हाट योर मेन एम शुड बी, इधर यू हैव टू इम्प्रूव ऑल द सेक्शंस कंसिस्टेंटली, और आप क्या करो कि बाकी के दो या फिर एक सेक्शन में 100 परसेंटाइल स्कोर करने की कोशिश करो. और हो सकता है इफ यू हैव GK एज योर वीक पार्ट, देन बेसिकली आप GK को थोड़ा सा कम भी स्कोर किया तो भी चलेगा. सो मैं बताऊंगा आपको क्या टारगेट रखना है क्या नहीं, जो मेरा रिजल्ट, आई विल बी डिस्कसिंग माय रिजल्ट विद यू. सो वहां पर मैंने भी 96.8 परसेंटाइल इंग्लिश में लिए थे और GK में मेरा 99.85 परसेंटाइल थे. तो ऐसे एक बैलेंस स्कोर करना पड़ता है, और लॉजिक में 100 परसेंटाइल थे. तो ऐसे एक बैलेंस स्कोर करने पर ही आपको एक अच्छा रैंक मिल पाएगा. एंड यू हैव टू कॉम्पीट एट ऑल इंडिया लेवल. 70,000 से 1,00,000 बच्चे CMAT दे रहे हैं, तो उनके साथ कॉम्पीट करना है. सो अभी टाइम ना जाया करते हुए मैं डायरेक्ट मैथ्स के सेक्शन पर आऊंगा, और मैंने चैप्टर्स देकर रखे हैं. जो भी आपको जिस भी चैप्टर में डाउट होगा, आप वही वीडियो या फिर वही चैप्टर आप स्पेसिफिकली देख सकते हो. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय टारगेटिंग मैथ्स सेक्शन. सो या एक्चुअली आई विल बी गोइंग टू JBIMS और सिडनम दिस ईयर. सो आई एम नॉट श्योर हाउ मच टाइम आई विल बी गेटिंग, बट तो भी मैं एक समरी लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करूंगा. इसकी डिटेल्स मैं बाद में दूंगा, एक्चुअली एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने के बाद. आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बट आई वोंट बी डिस्कसिंग दिस नाउ. सो अभी हम अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे. हमारे सिलेबस में है क्या, तो पहला पार्ट आता है अपना एरिथमेटिक. एरिथमेटिक में तो देखो, मैं ना अपने साथ बुक लेकर आया हूँ ताकि कोई भी टॉपिक मैं मिस ना करूँ आपके लिए, ठीक है. सो बेसिकली एरिथमेटिक में क्या आएगा, पार्ट परसेंटेजेस आते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या क्या आता है, इंटरेस्ट तो मैंने बता ही दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और टाइम एंड वर्क. तो ये बेसिकली चैप्टर्स आते हैं एरिथमेटिक में. अगर आपको स्पेसिफिकली कौन से, एक्चुअली देखो क्या होता है, क्वांट अगर आपने बोल दिया ना, तो बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर क्वांट और DI होलिस्टिकली. ऐसा नहीं होता है कि इसमें ज्योमेट्री नहीं आ रहा तो मैं ज्योमेट्री नहीं. आप एक बार थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आइडिया, यू शुड बी हैविंग अ बिट ऑफ आइडिया ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन. और बेसिकली क्या करो, मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा सिलेबस डिस्कस करने के बाद, तो आपको वहां पर समझेगा कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है. सो इसमें ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पार्ट है. सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ज्योमेट्री एंड सो ऑन. डेटा इंटरप्रिटेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू CET लेवल, CAT लेवल का नहीं आता है, और नॉन CAT लेवल के ZAT को छोड़ के. सो बेसिकली ईच एंड एवरी एग्जाम हैज ऑलमोस्ट सिमिलर DI. सो इफ यू हैव स्टडीड DI फॉर अ सिंगल टाइम, तो मे बी यू वुल बी सेलिंग थ्रू ईच एंड एवरी DI होलिस्टिकली. सो आप क्या करो, एक बार DI को अच्छे से आप पढ़ लेना, कोई भी समरी लेक्चर या फिर कोई भी लेक्चर है उसको अच्छे से पढ़ लो. एंड लेटर ऑन वॉट यू शुड डू इज यू शुड कंपाइल ऑल दी आइडियाज, एंड लेटर ऑन यू विल बी सॉर्टेड विद DI. DI के कुछ टाइप्स नोट डाउन कर लो कि वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर. शायद मैंने अपने एक वीडियो में कवर किया है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट उसमें मैंने ऐसे बताया था कि आपको DIs में कौन से टाइप आते हैं. सबसे पहले अपना बार ग्राफ हो गया, टेबल हो गया, फिर उसके बाद पाई चार्ट हो गया. सो ऐसे अलग अलग टाइप्स भी नोट डाउन करने चाहिए, और बेसिकली ईच टाइप में व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, यू शुड बी नोटिंग इट डाउन. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट. DI के बाद आते हैं हमारे सम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस रहते हैं. व्हाट बेसिकली CMAT डज इज इट ऑलवेज पुट अ बाउंसर इन द मैथ्स पेपर. So maybe you will be easily able to solve 20 to 22 or 23 questions easily. But for the last 2 to 3 questions, you have to study really hard. So if you are aiming for top 15 or top 10 rank, so then what you have to do is you have to focus on some of the out of the box questions. Means what you will say is, if you are preparing from any of the book, I will be discussing book list with you. So if you are preparing from RS Agrawal, let's say, so what happens is sometimes the questions are a bit tricky or out of the box,
मतलब ऐसा नहीं लगता क्या यार कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, या फिर ये क्वेश्चन इस चैप्टर में आया कैसे? तो अगर वैसे क्वेश्चन दिखे तो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड सर्कल दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो, क्योंकि क्या होगा आखिरी के 7 दिनों में जब आपको रिवाइज करना होगा ना, देन यू कैन नॉट रेफर टू होल बुक ना। तो अगर आपके क्वेश्चन सर्कल्ड है तो क्या होगा, वो सर्कल को आप देख लो वैसे वैसे क्वेश्चन। तो ये कब कर सकते हैं, जब आपके 20 क्वेश्चन राइट निकल रहे हैं, तब 20 के बाद आगे कैसे बढ़ना है ये उसकी स्ट्रेटेजी है। बट 20 तक के कैसे जाना है, मतलब 20 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। 20 क्वेश्चन में 80 मार्क्स होते हैं, 80 मार्क्स कोई छोटी बात नहीं है, बिकॉज लगभग लगभग 80 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी आप इजीली 90% के ऊपर चले जाओगे अगर आप 80 मार्क्स ला रहे हो तो। आई थिंक सो मैंने कम बोल दिया, बट एक बार आप रिजल्ट चेक कर लेना तो उसमें मे भी आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। तो अभी मैं बुक लिस्ट पर आता हूँ। देखो ये जो बुक लिस्ट देकर रखी है मैंने, ये अपने हिसाब से देकर रखी है, मैंने इन सभी बुक्स को एक एक बार देख कर रखा है। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस बुक देन यू कैन गो विथ इट। अगर आपके पास कोई प्रीवियसली मटेरियल है तो उससे भी स्टिक करिए। क्या होता है, एक बार तलवार चलाना आ गया ना तो बेसिकली कोई भी आप तलवार चला सकते हो। ऐसा नहीं कि यार मेरे दोस्त ने आर एस अग्रवाल से पढ़ा, मैंने अरुण शर्मा से पढ़ा, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको ज्यादा मिले मुझे कम मिले। यू विल बी कॉम्पिटिंग विथ योर स्किल्स। सो बेसिकली आप अपने स्किल्स पर ध्यान दीजिए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिकली। और जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन को देखो ना, तो मैथ्स के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल लगने चाहिए। वैसे ही मैं लॉजिक में भी बात करूंगा, आपको लॉजिक में भी कैसे आगे बढ़ना है। तो हमारा ये पार्ट हो गया। तो अगर आपको मैथ सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है तो क्या करो, सबसे अपना पहला काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैंने कंपाइल कर कर रखा है पीडीएफ, तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड डाउनलोड दोस क्वेश्चन पेपर, एंड आफ्टर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर व्हाट यू शुड डू इज 2018 से लेकर 2020 तक के यू शुड रेफर ईच एंड एवरी पेपर थरोली। मतलब व्हाट यू शुड डू इज यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो यू विल बी सॉल्विंग 20 to 25 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पेपर। हो सकता है आपको 5 आए, 10 आए, 15 आए। अगर कोई एकदम बेस से स्टार्ट कर रहा है, मीन्स इफ ही स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल, ही माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व ईच ऑफ द क्वेश्चन, या फिर ही माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन। सो वॉट यू शुड डू इज इफ दैट इज द केस देन मे बी यू शुड गो विथ योर बेसिक्स। सो आपने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन है तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप्स, एंड इफ नॉट देन वॉट यू विल बी एबल टू डू इज यू विल बी एबल टू रिकोगनाइज वॉट चैप्टर्स आर देयर। सो प्रीवियस ईयर का यही मेन एम है दैट यू शुड बी एबल टू सी वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस। सो ये हो गया हमारा एक पार्ट आर एस प्रीवियस ईयर का। उसके बाद मैं बोलूंगा इसमें से ये जो तीन पहले के तीन है, आर एस अग्रवाल हो गया, एनी कोचिंग मटेरियल, या फिर अरुण शर्मा, इनमें से आप तीनों में से कोई भी एक चीज रेफर कर रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आर एस अग्रवाल इज बेसिकली अ होलिस्टिक बुक फॉर नॉन कैट एग्जाम। सो मैं आगे भी जब अपनी वीडियो IIFT या फिर स्नैप के लिए भी बनाऊंगा, सो आई विल बी रिकमेंडिंग द सेम बुक, ठीक है। सो आर एस अग्रवाल इज बेसिकली फॉर ऑल नॉन कैट एग्जाम, दैट वुड बी सफिशियंट। या फिर आपने अगर कोई कोचिंग लगाई है तो उसके भी मटेरियल इक्वली गुड है, क्योंकि क्या होता है कोचिंग वाले रिसर्च करते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट विल बी कम्प्लीटली फाइन विथ यू। या फिर आप अरुण शर्मा रेफर करो, मेनी ऑफ यू विल हैव प्रिपेयर्ड फॉर कैट एग्जाम, सो यू माइट हैव रेफर्ड फॉर आर एस शर्मा। सो आर एस शर्मा के LOS LOD 1 कर लो आप, और LOD 2 के कुछ कुछ क्वेश्चन कर लो, और शायद टाइम एंड वर्क के तो LOD 1 इज सफिशियंट, क्योंकि मैंने भी LOD 1 ही सॉल्व किया था, तो दैट वॉज सफिशियंट फॉर मी। बट क्या होता है अरुण शर्मा में कुछ आउट ऑफ द ब्लू भी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा है ना उसको बराबर देखकर सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर से जैसे आपने टाइप्स नोट डाउन किए हैं उस हिसाब से आप अरुण शर्मा को रेफर करना। सो ऐसे ही कोचिंग मटेरियल को रेफर करने के पहले आप खुद को इतना काबिल बना दो दैट यू शुड बी एबल टू फाइंड इट व्हाट इज द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू नॉन कैट एग्जाम और कैट एग्जाम और व्हाट वी कैन से सीमेट एग्जाम। सो बेसिकली ये आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टाइप में है। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट, और अरुण शर्मा के बारे में भी मैंने बता दिया। और DI के लिए कोई भी बैंकिंग बुक, एनी बैंकिंग बुक इज सफिशियंट फॉर DI। सो व्हाट यू कैन डू इज इफ यू हैव टू रेफर टू एनी बैंकिंग बुक और कोचिंग मटेरियल विल बी सफिशियंट, एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग ईच एंड एवरी टाइप ऑफ DIs, फॉर एग्जांपल बार ग्राफ, टेबल, लाइन चार्ट, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम, सो व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आफ्टर सॉल्विंग 100 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द कैटेगरी व्हाट यू शुड डू, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन ईच कैटेगरी, यू शुड बी राइटिंग इट डाउन इन अ सिंगल पेपर। सो मैंने एक A4 शीट पर ऐसा ही लिखा था, तो वो शायद मैंने शेयर किया था बिफोर CET हैव ऑकर्ड।
सो बेसिकली जैसे ही मेरा सीमेट में अच्छा रैंक आ गया था तो आई वॉज शेयरिंग सम ऑफ माई स्ट्रेटेजीज रिगार्डिंग सीईटी एंड अदर पेपर ऑल्सो. सो उसमें मैंने एक सी डीआई के लिए अच्छे से रेफर कर मतलब पूरी समरी डाल कर रखी थी. तो अगर आपको वो टेलीग्राम ग्रुप में मिले तो बता देना. इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट जस्ट टेल मी ऑन द टेलीग्राम, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन. सो ये हो गया हमारा डीआई के सेक्शन के बारे में. सो आपने यहाँ तक के वीडियो देख ही लिए तो आई वुड बी लाइक टू एम्फसाइज ऑन वन ऑफ द थिंग दैट हैड हैपेंड टू मी ऑन सीमेट डे. सो क्या हुआ था, व्हेन आई रीच द सेंटर आई वाज नॉट इन द राइट माइंडसेट ऑफ सॉल्विंग द और अटेम्प्टिंग द पेपर. सो क्या हुआ था, काफी हलचल मच गई थी या फिर भगदड़ हो गई थी. तो सीमेट के दिन थोड़ा सा मेरी मेंटल स्टेट उतनी अच्छी नहीं थी. सो व्हाट आई सैट इन द एग्जाम हॉल, सो मे बी एक क्वेश्चन ऐसा था, इट वॉज रिलेटेड टू फंक्शन. सो मैथ्स में जो बीएससी कर रहा है या फिर इंजीनियरिंग कर रहा है तो आपको एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा जिसमें डेरिवेशन गिन हो सकते हैं. सो बेसिकली यू आर टॉट फंक्शन इन योर कॉलेज ऑल्सो, और वो क्वेश्चन इतना सिंपल था, इट वॉज जस्ट रिलेटेड टू फंक्शन वन वन और ऑड टू का टाइप था. तो दैट वॉज आस्क्ड इन द एग्जाम हॉल, और वो इतना बेसिक क्वेश्चन है ना कि क्या बताओ. अगर आप मुझे आज सॉल्व करने के लिए दोगे तो आई वुड बी इजीली एबल टू सॉल्व इट, बट ड्यू टू नॉट हैविंग द राइट माइंडसेट आई हैड डन इट रॉन्ग. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. आप जब जाओ एग्जाम हॉल में तो क्या करो, जो भी आपका होम टाउन रहेगा वही का सेंटर लो, और या फिर ऐसा सेंटर लो जहां पर आप स्टे करते हो. ट्रैवलिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको ज्यादा. जब भी आप पेपर देने जाओ तो एक राइट माइंडसेट बनाकर जाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना और सेंटर पर थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाते जाओ. तो क्या होगा, जो मेरे 25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे उसमें से अगर आपका भी वैसा ही सिनेरियो होगा तो आपको 25 में से 25 राइट मिलेंगे, और मे बी यू विल बी द नेक्स्ट 100 परसेंटाइलर. सो बेसिकली जब आप डी डे पर जाओगे एग्जाम हॉल में तो राइट मेंटेलिटी के साथ जाना, और जो मैंने बताकर रखा है आपको कि सर्कल करना क्वेश्चंस को, तो आप वो क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना एक बार. व्हाट यू शुड डू इज यू शुड प्री प्लान योर लास्ट 7 डे स्ट्रेटेजी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब 7th डे पर हो, लास्ट 7 डे पर, इट शुड नॉट हैपन दैट यू आर मेकिंग द स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 6 डे. आपकी पहले से ही स्ट्रेटेजी डिसाइड रहनी चाहिए. ये क्या होता है, दिस आर द स्मॉल थिंग्स दैट विल मेक यू अ रैंकर. सो ये सब चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बी टारगेटिंग 99 परसेंटाइल और रैंकर. इफ यू आर टारगेटिंग 90 परसेंटाइल और 80 परसेंटाइल, दैट इज ऑल्सो फाइन. देखो यार, अपना कंपेरिजन आप दूसरों से मत करो, अपना कंपेरिजन आप खुद से करो. इफ यू हैवेंट अचीव्ड एनीथिंग और आपको चाहते हैं कि आपको 4 LPA या फिर 6 LPA का ही पैकेज चाहिए, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट फॉर यू. बस उतना ही ठीक है, उतना ही आप एम करो. ज्यादा दूसरों के चक्कर में पड़ोगे तो जेलसी के वजह से है ना बहुत खराब चीजें होती है. तो आप अपने आप पर फोकस करो. और मे भी मैंने इसके बाद कॉलेजेस भी डिस्कस किए हैं, कौन से कॉलेजेस की क्या पैकेज रहेगा क्या नहीं, तो कॉलेजेस कैसे डिसाइड करना है वो भी मैं अगले वीडियो में अपने बताऊंगा. तो इसके बाद की वीडियो जो हमारी रहेंगी वो रहेंगी लॉजिकल रीजनिंग पे.